बीजेपी को लगा झटका। महाराष्ट्र में एक्स एमएलए रमेश कोठे ने शिवसेना यूबीडी ज्वाइन की। उद्धव ठाकरे के हाथों बना शिवबंधन। देश का होम मिनिस्टर गुजरात से तड़ीपार किया गया था, अमित शाह को शरद पवार ने दिया जवाब। कुछ ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतरे। पालघर और बोईसर के बीच हुआ हादसा, दो दिन में दो बड़े हादसे। यूपी सुल्तानपुर में मोची की शॉप में जूता सिलने बैठे राहुल गांधी। रुक रुक कर लेकिन तेज बारिश होने की संभावना जताई आईएमडी ने, येलो अलर्ट किया जाहिर। आज मनाया गया है एक्स सीएम उद्धव ठाकरे का बर्थडे। बेंड्रा इस मातोश्री पर लोगों की लगी भीड़। चीटिंग केस में 33 साल से फरार आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया साउथ मुंबई की पाईधोनी पुलिस ने। मनसे स्टाइल में समझाया, मुंबई में मराठी को जॉब न देने वाली कंपनी ने मांगी माफी। बीएमसी ने 29 जुलाई से 10% वाटर कट विड्रॉ करने का ऐलान किया। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में वाटर लेवल बढ़ा। मुस्लिम कब्रिस्तान विक्रोली में जल्द से जल्द बनाया जाए की मांग की एसपी एमएलए अबू आसिम आजमी ने सीएम एकनाथ शिंदे से। वलिस्पा मर्डर केस में हुआ बड़ा खुलासा, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार। मृतक ने अपने 22 दुश्मनों का नाम का टैटू अपने बॉडी पर बनाया था। मगरमच्छ पहुंचा पेट्रोल पंप पर, चिपलून से हुआ वीडियो वायरल। एमएलए असलम शेख, एक्स एमएलए आरिफ नसीम खान के नाम शामिल। एमवीए गठबंधन पार्टी के साथ चर्चा करने की कमेटी में। रेल के चक्कर में जिंदगी बर्बाद, लोकल ट्रेन में स्टंट करने वाले को पकड़ लिया जीआरपी ने। एक आम एक लैग गवाई दूसरे स्टंट में। मुंबई एक्स पुलिस कमिश्नर संजय पांडे वर्सोवा से असेंबली इलेक्शन लड़ सकते हैं एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। नवी मुंबई में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को सेफली बाहर निकाला गया। 28 जुलाई 2024 संडे सेंट्रल लाइन माटुंगा मुलुन हर्बर लाइन वाशी पनवेल और ट्रांस हर्बर लाइन थाने वाशी के बीच रहेगा ब्लॉक, वही वेस्टर्न लाइन पर नाइट ब्लॉक रहेगा। खुद को पत्रकार बताकर होटल और बार वालों से कंप्लेन की धमकी देकर वसूली करने वाले दो लोगों को काशीमीरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। सलमान खान बेंड्रा हाउस फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अमूल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2037 पर चर्चा होगी, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा। अनिल देशमुख और देवेंद्र फडणवीस के विवाद में खुदा अनिल देशमुख का रिश्तेदार, चाचा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। साइन रोड ओवर ब्रिज डेमोलिशन वर्क शुरू होगा 1 अगस्त 2024 से, नया ब्रिज बनाया जाएगा, 2 साल तक चलेगा काम। जुहू पुलिस ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 25 साल के सब्जी सेलर को गिरफ्तार किया। फराह खान की मां मेनका ईरानी को बॉलीवुड सितारों ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। पेरिस ओलंपिक 2024, मनु भास्कर ने महिलाओं की 10 मीटर पिस्तौल शूटिंग में फाइनल स्थान हासिल किया।